राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव। राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने भाषण दिया। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने उठाया उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार का मुद्दा। कहा, अयोध्या में रामपथ की सड़कें धस गईं, राम मंदिर की छत टपक रही है, लेकिन कोई मान नहीं रहा। सुनिए और क्या कुछ कहा रामगोपाल यादव ने। गोपाल यादव जी, 3 मिनट। अरे मैंने सुन नहीं पाया। धन्यवाद श्रीमान। समय तो है नहीं, लेकिन मैं बहुत ही संक्षेप में, आप बोलते ही ब्रीफ में अपनी बात कहूँगा। महामहिम राष्ट्रपति के भाषण में कुछ बातें ऐसी हैं जो होनी चाहिए थी लेकिन नहीं। जैसे पूरे देश में बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में और सेंटर में करप्शन रैम्पेंट, कहीं करप्शन की चर्चा नहीं, कहीं भी करप्शन की चर्चा नहीं। जो हम अन्न ये देते हैं वोट लेने के लिए, उसमें भी 30% संपन्न लोग गरीबों की 18% के आसपास सब्सिडी खा जाते हैं। मैंने देखा है गांव जब अन्न बांटने जाते हैं तो वे लोग जो अपात्र हैं, जिनको मिल रहा है, उनसे खरीदने के लिए वहीं लोग खड़े होते हैं, बेच देते वहीं। नोबडी केयर्स फॉर इट। और देखिए, जो दिल्ली में हवाई अड्डे पर कैनोपी गिरी, जामनगर में गिरी, सब करप्शन की वजह से। राम जानकी वनगमन पथ 10 किलोमीटर तक धस गया नीचे लंबाई में, ड्यू टू करप्शन। अब मैं नहीं कहूँगा कि भगवान श्री राम के मंदिर में भी पानी टपका है, क्योंकि लोग कहेंगे ऐसा नहीं हुआ है, बट इट हैपेंड। हर घर में पानी भेज रहे थे नल से। अकेले जल शक्ति मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश में लाखों करोड़ रुपया दिया। 5% घरों में पानी नहीं पहुंचा, जाने कहां पैसा चला गया। मैंने पहले भी एक बार यहां कहा था, मैं चाहता हूं कि बीजेपी के एमपीज अपने गांव में जाएं और देखें उत्तर प्रदेश के कि कहां कहां नल पानी पहुंचा है कि नहीं पहुंचा, और नहीं पहुंचा है तो जो पैसा आया वो कहां चला गया। और सबसे बड़ा करप्शन कुछ कोचिंग सेंटर्स हैं, जिनके माध्यम से चाहे नीट हो चाहे नेट हो, पेपर्स आउट होते हैं। किसी कोचिंग सेंटर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। एवरीबडी नोज कि कौन कौन से कोचिंग सेंटर हैं जिनकी अप्रोच इतनी है कि वो पेपर लीक करा लेंगे, और ये हो रहा है लगातार। आप आश्चर्य करेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट पर कहीं चर्चा नहीं। अभी एक चीज़ मैं कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ा आज तक का इतिहास में जो भ्रष्टाचार हो रहा है वो हो रहा है NCLT के जरिए। आप आश्चर्य करेंगे कि 31 मार्च 23 तक 616 केस रिजॉल्व किए इसने, जिसमें बैंकों का उन पर 8.3 लाख करोड़ कर्जा था। बैंकों को समझौते के जरिए मिला 2.53 लाख करोड़ और कर्ज मुक्त हो गए। हेयर कट में चला गया 5.77 लाख करोड़, 69% हेयर कट। और इसमें सबसे ज़्यादा हेयर कट जाने मिलने वाला था वो है अडानी साहब की एक कंपनी है गुड होम्स, जिस पर 96% हेयर कट। मैं ये जानना चाहता हूँ माननीय आपके माध्यम से, माननीय वित्त मंत्री से, कि अभी तक कितनी संपत्तियाँ बिकी, उन पर कितना कर्ज था, उनकी एक्चुअल वैल्यू कितनी थी, और जिनको वो संपत्तियाँ बेची गई वो कौन लोग थे। एक एक व्यक्ति को लाखों करोड़ का लाभ हुआ है। अभी मैं जानता हूँ, कुछ दिनों पैदा हुआ, मैं तो पर्सनली जानता हूँ, 2-3 लाख की करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति है यहाँ बगल में ही। 40,000 करोड़ का केवल कर्ज था, 30,000 करोड़ में बिक गई, तो जिन्हें मिला है उन्हें तो बस। हेयर कट में जो चला गया तो बैंकों को नुकसान कर रहे हैं। इंडिविजुअल्स को लाखों करोड़ का नुकसान हो रहा, लाभ हो रहा है। थैंक यू। इससे बड़ा कोई करप्शन नहीं। ये ऐसा है मामला जिसकी जांच होनी चाहिए, और तो सारे करप्शन इसके सामने कुछ भी नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति यह है कि अब IIT के लोग भी हर साल बढ़ते जा रहे हैं अनएम्प्लॉयड, और तो सड़कों पे घूम ही रहे। उत्तर प्रदेश के एक माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 0 है।
और पुलिस की भर्ती 50,000 सिपाहियों की निकली तो 68 लाख लड़के लड़कियों ने इम्तहान दिया और लीक हो गया पेपर, कई लड़के लड़कियों ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि जो ओवर एज हो जाते हैं वो जानते हैं अब हमें तो कहीं नौकरी मिलने वाली नहीं। डॉक्टर साहब कौन कौन? एक मिनट और सुन लीजिए हमारी बात, ऑलरेडी 5 मिनट होने को। एक मिनट प्लीज। देखिए आरक्षण जो है वो कैसे ये खत्म कर रहे हैं, अगर सरकारी वैकेंसी निकले तो आरक्षण मिलेगा, पिछड़ों को 27% और दलितों को 22.5%, लेकिन आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर सारी नियुक्तियां होने लगी, आरक्षण पूरी तरह से खत्म हो गया। और ये 3 नए कानून आए जिसका डंका बज रहा है, इसमें 95% बही धाराएं ज्यों की त्यों हैं, केवल ऊपर नाम बदल दिया गया। हाँ पांच, एक मिनट, बहुत खतरनाक चीजें आ गई, बताना जरूरी है, लोग पढ़ते नहीं है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि 2 आदमी से ज्यादा अगर कोई काम करते हैं तो वो जो अनलॉफुल एक्टिविटीज थी वो संगठित गिरोह के अंतर्गत आ गए। डॉक्टर साहब खत्म करें। अगर पॉलिटिकल पार्टीज आंदोलन भी करेंगी, आंदोलन करेंगी और कोई सब इंस्पेक्टर ये लिख देता है ये संगठित गिरोह का काम है तो 3 साल से 3 लाख आजीवन कारावास तक की सजा। तो आप किसी को भी ये सब, एक आंदोलन तो हम लोग करेंगे ही, 3 साल की सजा करा दीजिए, आराम से विपक्ष खत्म, सत्ता चलाइए। धन्यवाद डॉक्टर साहब, धन्यवाद। एक सुधांशु जी नहीं है, मैंने 3 मिनट से अधिक आप बोलिए, प्लीज दूसरों को एक सेकंड साहब, एक सेकंड सुन लीजिए, छल कपट से कोई काम चलता नहीं है, अब वो चीज जब प्रकट हो जाती है तो नुकसान होता है। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि उघरे अंतन होए निबाहु, काल नेम जिम रावण राहु। ये समझ लें सब लोग। बहुत धन्यवाद आप। धन्यवाद।